सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वेब कैमरा के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि वेबकैम कैसे आपको सेटअप करना है और क्या ये अच्छा है, इसकी प्राइस पॉइंट क्या है, ये सब जानने के लिए आप अभी बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं अभी आपको ये वेबकैम का पैकिंग खोल के दिखा देता हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो साथ में बना रहा हूँ मैं। तो ये है ज़ेब्रोनिक का वेब कैमरा, ठीक है, ज़ेब्रोनिक का वेब कैमरा जेब क्रिस्टल क्लियर। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूएसबी इंटरफेस, बिल्ट इन माइक, नाइट विजन और 3P लेंसेज है। 3P मतलब उसका फोकल लेंस के बारे में बोला गया है। सो ये इसका बॉक्स का आउटर व्यू है, देख लीजिए, काफ़ी सुंदर सा बॉक्स है। पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छी ही की गई थी, मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया था तो मुझे तो काफ़ी अच्छा ही लगा। तो इसमें यूएसबी इंटरफेस को देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन माइक तो है ही इसमें, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या क्या इसके क्वालिटी फीचर्स है, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका दाम यहाँ पे लिखा है 1299, लेकिन हमें इतने ज़्यादा पे नहीं करने पड़े, कुछ 700 या 800 के आसपास ही हमें मिल गया है, वो मैं आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और ये पीछे से भी सील्ड है बॉक्स, तो चलिए अब खोल के देखते हैं। तो खोलने के बाद आपको अंदर में ये डायरेक्ट कैमरा ही मिल जाता है, ठीक है, और उसमें एक USB केबल कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस पर भी एक बबल रैप करके दिया है इन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये कैमरा दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है, अगर आप देखें तो देखिए काफ़ी सुंदर सा लुक देता है वो, दो साइड में लगे उसके कैमरा और इसका जो लेंस है, इसको आप इस तरह से फोकस कर सकते हैं घुमा घुमा के, ठीक है। ये लाइट ऑन करने वाले बटन में से है, हाँ, ये जो बटन है ये आपका लाइट ऑन ऑफ करने के लिए है, जो इसके नाइट विजन्स बोले गए। सो चलिए अब ज़रा इसको, इसका क्लिप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्लिप के ऊपर पैडिंग दी गई है जिससे आपका मॉनिटर डैमेज ना हो, ठीक है। और ये केबल का लेंथ भी ठीक ठाक है, 1.2 मीटर्स का केबल है। तो चलिए मैं भी इसको सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा आपके मॉनिटर के ऊपर और कैसे आपको सेटअप करना है, मैं वो भी बता दूंगा। अगर आप एक स्ट्रीमर हैं तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कैसे कैमरा सेटअप करते हैं वो भी दिखा दूंगा, तो उसका आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने कैमरा को कर लिया है सेटअप और ये इसके मतलब इसके जो LEDs है वो मैंने ऑन करके रखे थे, ये मैंने ऑफ कर दिया। तो गाइस, सबसे पहला मैं मिथ इसका बस्ट करना चाहूँगा, जो नाइट विजन बोला गया है कि ये इसमें नाइट विजन्स लगे हैं, नाइट विजन्स के नाम पर ये दो छोटे छोटे लाइट्स है। और अगर आप करंट ऑफ कर, मतलब आपके घर में अगर करंट नहीं है, अगर आप बिना लाइट्स के मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो नाइट विजन्स किसी काम के नहीं है भाई। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अभी मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे, ये इसका इंटरनल माइक्रोफोन है और इसके अंदर CMOS इमेज सेंसर होता है और इसको आप इस तरह से हिला हिला के मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मॉनिटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला है, इतना लेंथ का है मेरा, तो इसका क्लिप जो है वो यहाँ पे फिट होने में थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैंने इसको थर्मोकॉल पैडिंग से लगा के रखा है। काफ़ी अच्छा है, देखिए ये स्टेबल है, हिलता नहीं है। तो वही मतलब थोड़ा एक ही चीज़ का दिक्कत हुआ कि ये थोड़े मोटे, अगर आपका मॉनिटर थोड़ा सा अभी ज़्यादा स्लिम है तो आपको थोड़े मेरी तरह पैडिंग लगानी पड़ेंगी, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, वो तो आप कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे, पेपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो अभी बात कर लेते हैं इस कैमरा के फीचर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है इसका ये कि ये 480 पिक्सल्स में आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, 640x480 पिक्सल्स। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मैं तो स्ट्रीमर हूँ, सो मुझे अपने पूरे मतलब मान लीजिए ये मेरा पूरा स्क्रीन है, मेरा माउस आपको दिख रहा है, एक सेकंड, ये मेरा पूरा स्क्रीन है। सो मुझे मान लीजिए सिर्फ इतने से जगह पे कैमरा चाहिए, ये मेरा माउस में आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इतने से जगह पे कैमरा चाहिए, तो वो 480 पिक्सल्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए आप सीधा आ जाते हैं इसके सेटअप कैसे करना है, आपको सेटअप के फीचर पर आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं भी आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले जाऊंगा। तो फिर से आपको इसका नाइट विजन एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसका नाइट विजन है जो कि वो दो ऐसे चमकीले लाइट्स होते हैं। सो ये बहुत अजीब लगा मुझे कि नाइट विजन के नाम पे हमें थोड़ा धोखा दिया गया है, लेकिन ठीक है, एक 800 रुपये के कैमरे से और आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये ठीक है, चलिए आप सीधा आपको सेटअप वीडियो पे ले चलता हूँ। तो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वेब कैमरा को OBS पे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये प्लस बटन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करना है, ठीक है, वीडियो कैप्चर डिवाइस,
उसके बाद आपका जो भी वीडियो कैप्चर डिवाइस है उसका नाम ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये एचडी कैमरा, ये डीएक्टिव होके रखा है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सो गाइज ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेरा खुद का सेटअप है। सो ये आपका जो वीडियो कैमरा है उसमें आपको एचडी कैमरा मिलेगा, एक ही कैमरा हुआ हो तो आपको एक ही कैमरा डिवाइस मिलेगा, जैसे कि मेरे इधर एचडी कैमरा है। सो उसको आपको सिलेक्ट करना है, बाकी इनमें से कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डीएक्टिवेट दबा देंगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीन नहीं चाहिए होता है, मुझे बहुत ही छोटा सा स्क्रीन चाहिए होता है। सो ये मेरे लिए काफ़ी सही है। देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये मेरी पूरी स्क्रीन है। अब मैं आपको और अच्छे से दिखा दूँ, ये मेरी टोटल स्क्रीन है, उसके अंदर मुझे सिर्फ इतना सा कैमरे वाला जगह चाहिए होता है। सो उसके लिए अगर आप स्ट्रीमर हैं तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके पास बजट कम है, अगर बजट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप इससे अच्छा कैमरा लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं होने से ये होना काफ़ी बेहतर है। सो गाइज यही था रिव्यू, और चलिए मैं अब आपको इसकी कैमरे की और माइक्रोफोन की टेस्ट दे देता हूँ, तो वो इसके बाद होगा। सो कंटिन्यू वॉचिंग। तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारे वेब कैमरा की मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मतलब मेरे इधर एक रिंग लाइट लगा है, उसकी वजह से मेरा थोड़ा ब्राइट आ रहा है, मतलब ये देखिए हाथ रखूंगा तो थोड़ा ब्लैक की फिश हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये 480 पिक्सल्स पे आपको 30 FPS तक का मतलब रिकॉर्डिंग देता है। तो यही इसका रिकॉर्डिंग है, और शायद अभी इसके माइक्रोफोन से ही मतलब आपका मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। सो वो भी आपको दिखा होगा कि क्वालिटी कैसी है इसके माइक्रोफोन की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्ट्रीमर है तो आप एटलीस्ट अपने हेडफोन माइक्रोफोन को यूज करें। इसका माइक्रो जेहेतु ये बहुत दूर रखा हुआ है उसकी वजह से इसका माइक्रोफोन इतना अच्छे से रिसीव नहीं करता है वॉइस, मतलब कुछ नहीं है तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है जैसे कि मेरा ये हेडफोन का माइक है तो वो उसे काफी अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक माइक्रोफोन जरूर रखें अपने पास। तो यही थी आज की वीडियो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक ठोको, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ठोको। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कैसे सेटअप करना है या फिर कुछ भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।